हम सबसे पहले आपको कोर्स एक्सप्लेन करेंगे और इस एक्सप्लेनेशन को अगर आप चाहो तो रिकॉर्ड भी कर सकते हो, क्योंकि हमारे क्लासेस को रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। तो जूम के थ्रू आप उसको R प्लस R प्रेस करें तो रिकॉर्ड करेंगे। मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो मेरे पास दो तरह की क्लासेज है। एक हमारा लाइव क्लासेज है जो अभी जूम के साथ मेरे साथ ले रहे हैं, दिस इज द लाइव क्लासेज। एक से तीन लोगों के साथ आपको लाइव क्लासेज दिया जाएगा और ये लाइव क्लासेस 45 मिनट से एक घंटे की होती है। डिपेंड करता है आपके टॉपिक्स के ऊपर कि आपका टॉपिक कितना बड़ा है और टॉपिक आपने कोर क्लासेस में कितनी क्वेश्चन पूछे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो लाइव क्लासेस के बारे में जानना चाहें तो लाइव क्लासेस पे जैसे आप क्लिक करेंगे मेरी लाइव क्लासेस की वीडियो वेबसाइट live.iptindia.com खुल जाएगी। जैसा कि आपने बोला कि आपको एडवांस एक्सेल और VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग तीनों दोनों सीखना है, राइट? तो इसमें अब कुछ लोग पूछते हैं कि सर आपने SQL क्यों डाल दिया, एक्सेस क्यों डाल दिया। देखिए क्या होता है कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि एक्सेस में बड़ी आसानी से हो जाते हैं, एक्सेल में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है सर। इसलिए जब आप रिपोर्ट ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं तो आपको एक्सेस के बारे में पता होना चाहिए, तो इसलिए एक्सेस भी इंक्लूड है। बट एक्सेस का मतलब कि उतना ही पार्ट इंक्लूड है जितना हमें जरूरत पड़ता है। तो आइए हम कोर्स को जानते हैं। एक जो कोर्स मेरे पास दो तरह के कोर्स है, एक हमारा एक्सपर्ट लेवल की क्लासेज है जो कि तकरीबन 100 से 120 घंटे के बीच में चलती है। दूसरा हमारा आता है फास्ट ट्रैक जो कि 10 से 15 घंटे की होती है, ठीक है? तो आप फास्ट ट्रैक में जाएंगे तो आपको पता ही है बहुत सारी चीज़ छूटेगी। आप 100 घंटे की माने कि 100% की जगह पे 10% टाइमिंग देंगे तो उसी हिसाब से टॉपिक भी ट्रिम होगा। तो फिलहाल हम फास्ट ट्रैक को छोड़ते हैं क्योंकि आपकी जैसे बातचीत हुई आपको एक्सपर्ट लेवल पर जाना है, राइट? जी। इसकी ड्यूरेशन आपको पड़ेगी 100 से 120 घंटे, मंडे टू फ्राइडे 1 आवर की क्लासेस होगी। अगर आप वीकेंड क्लास लेते हैं तो 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी। अब जो टाइमिंग है ना सर और ऊपर ड्यूरेशन है दोनों एवरेज है, डिपेंड करता है आपके लर्निंग स्टाइल पे। 120 के जगह पे 150 भी हो सकता है और 80 घंटे भी हो सकते हैं, ठीक है? अब इसमें हम बात करते हैं कि टॉपिक क्या कवर हुआ। तो आप कंप्लीट टॉपिक के लिए हम पीडीएफ पे जाएंगे, उससे पहले हम बात कर लेते हैं क्या क्या इसमें। एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला है, एक्सेल वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग है, एमएस एक्सेल डेटाबेस है, सीक्वल क्वेरी है एंड डैशबोर्ड्स है, राइट? एंड रिपोर्ट क्रिएशंस है। अगर इसके डिटेल में जाते हैं तो डाउनलोड पीडीएफ करना होगा, इस पीडीएफ में आपको सब कुछ आएगा। इसके चार चैप्टर लेवल है। पहले लेवल पे आते हैं वो हमारा एडवांस एक्सेल, ठीक है? तो एडवांस एक्सेल के हर एक चीज को मैंने बेसिक टू एडवांस बताने की कोशिश की है। मंकू जी, मंकू जी जी सर, पूरा लाइव और हर सेक्शन में हमने लाइव प्रोजेक्ट भी रखा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि पहले लेवल में आप जो है ये आपके एक्सेल के जितने भी फीचर्स हैं, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डेटा, डेवलपर, एवरीथिंग मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, हर एक चीज को कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, राइट? जी सर। दूसरे लेवल पे आते हैं ना, तो दूसरे लेवल पे हमारे पास है वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के तकरीबन 11 चैप्टर है और इसमें भी आपको मैं सब कुछ कवर करने की कोशिश करूंगा। वीवीए के बाद जो अगला चैप्टर हमारा आता है वो आता है हमारा MS Access Database and SQL। और इसके जो चौथे चैप्टर है, ये चौथे चैप्टर में आपको यहाँ पे डैशबोर्ड विद रिपोर्ट ऑटोमेशन, राइट सर? जी सर। क्लियर है सर आपको? जी सर। अब हम बात करते हैं कि एडवांस एक्सेल आखिर होता क्या है, कोई अलग चीज तो नहीं? तो पहले चलिए यहाँ एडवांस एक्सेल के ऊपर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या है कि एक छोटा सा क्यूरी बताते हैं, क्या 20 है और यहाँ पे 30। अगर 20 को कॉपी करके 30 के ऊपर पेस्ट करते हैं तो 30 रिप्लेस बाय 20। जी सर। लेकिन
अगर मैं पेस्ट स्पेशल इस्तेमाल करें और पेस्ट स्पेशल में हमने यूज किया ऑपरेशंस में, मान लीजिए मैंने ऐड यूज कर लिया, अब ये रिप्लेस नहीं करेगा, 20 और 30 प्लस होके यहाँ पे 50 रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपका डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हुआ बेसिक एक्सेल मेरे हिसाब से कि एक्सेल को कि एक्सेल के फीचर को कैसे हम यूज करते हैं, दिस इज द राइट। लेकिन जब आप मेरे क्लास में आएंगे तो मैं इसको कुछ इस तरह सिखाऊंगा कि मैं इसका यूटिलाइज क्या करूं। तो जो सेकेंड पार्ट होगा हमारा वो कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले तो मैं आपको परसेंटेज के बारे में समझाऊंगा कि 20 मैं 20% लिखना है तो 20 और परसेंट का सिंबल लेंगे देन 20% आ जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें मुझे अगर परसेंटेज बाद में लगाना है 20 और इसके ऊपर अगर मैंने परसेंट का सिंबल दिया तो 2000 हो जाता है, क्योंकि एक्सेल में 1 = 100% होता है। मतलब मुझे बाद में लगाना है तो 0.20 आफ्टर दैट में परसेंट का सिंबल लगाऊंगा, ठीक है जी। अब होता है क्या था कि हमारे कलीग थे मुझे कुछ डेटा भेजते थे, उन्होंने मुझे कुछ डेटा इस तरह से भेजा। अब ये डेटा देखने को तो आपका नॉर्मल दिख रहा है बट एक्चुअली परसेंटेज होता है, मतलब कि मुझे जहाँ यूज करना है 564%, अगर 64% के सैंपल में होता तो हम क्या करते हैं इसको जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन एक 64 है परसेंट का सैंपल नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फॉर्मूला में चेंजिंग करके 100 करना पड़ेगा तब जाके रिजल्ट आएगा। अगर डिवाइड बाई 100 हम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट आपका गड़बड़ देगा जी। अब यही पे प्रॉब्लम आती है कि मैं अपना फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ऐसे 8-10 लोगों से डेटा आता है, 8-10 लोग मुझे परसेंटेज लगा कर देते हैं लेकिन एक माह से परसेंटेज लगा के नहीं देते और साफ मना करते हैं कि मैं लगा के नहीं दूंगा आप जैसे यूज कर लो। अब मुझे इसमें मैनुअली जाके परसेंट का सैंपल इस तरह से इंसर्ट करना पड़ेगा, ये तो सर प्रॉब्लम वाली जॉब होगी ना। अभी आपके पास डेटा 10-12 कॉलम का है, अगर ये 1000-2000 कॉलम 1000-2000 रो का हुआ तो जी। सो मुझे इसको कन्वर्ट करना है कि इसमें परसेंटेज में, तो मैं इस कंसेप्ट को जो मैंने बताया था इस कंसेप्ट को यूज करूँगा। मैं क्या करूँगा यहाँ पे 100 लिखूँगा और इस 100 को सेलेक्ट करूँगा, राइट राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और मैंने इसको कर दिया डिवाइड, सारे नंबर को मैं डिवाइड बाय 100 कर दिया, हो गया डिवाइड 100। अब मैं परसेंटेज आसानी से लगा सकता हूँ सर जी सर। तो ये होती है एडवांस एक्सेल कि हम सिर्फ आपको फीचर नहीं समझाते हैं, हम समझाते हैं इसका बेनिफिट क्या है। अब जैसे एक और एग्जांपल मैं बताऊं जो थोड़ा देर पहले मुझे किसी ने पूछा है, अब उनके पास एक डेटा है राइट और यहां पे उन्होंने टोटल का ऐड किया हुआ है, अब उनका करना क्या है कि उनको जीएसटी निकालनी है 18% का जीएसटी और फिर जीएसटी के बाद कितना अमाउंट होता है वो टोटल निकालना है। तो जनरली हम यहां पे तो लगा सकते हैं कि यहां पे हमने कर दिया जीएसटी और इसका 18% निकाल लेंगे, लेकिन उनका एक छोटा सा प्रॉब्लम है। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि मैं यहां जो जीएसटी निकालना चाहता हूं मैं यहां पे इसका 18% नहीं निकालना चाहता, या टोटल यहाँ भी निकालना है मुझे इस डेटा का, इसका टोटल सम करके इसको प्लस इसको, मुझे यहाँ ऐसा नहीं करना है। मुझे क्या करना है, हर डेटा के नीचे एक ब्लैंक लाइन इंसर्ट करना है और यहाँ पे इसमें लिखना है GST और फिर इसका 18% कैलकुलेट करना है, फिर एक और रो इंसर्ट करना है और मुझे यहाँ लिखना है टोटल और फिर मुझे इसको ऊपर वाले को इसमें टोटल करना है, बात समझे जी सर। ये कैलकुलेशन हर रो के लिए करना है, तो हर रो पे जाना तो मुश्किल है ना सर जी। क्या सर बोल रहे हैं? हाँ सर, ये तो मैनुअल काम हो गया, मैनुअल हो गया, लेकिन इसको भी हम कम टाइम में कर सकते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है कि रो इंसर्ट करना है राइट, लेकिन मुझे दो अलग अलग फॉर्मूले इंसर्ट करने हैं।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सीरियल नंबर लिखूंगा, ठीक है? सीरियल नंबर लिखा, आया सीरियल नंबर सर? जी सर। मैं इसी सीरियल नंबर को नीचे की तरफ रिपीट कर दूंगा। अब सॉर्टिंग तो आप यूज करते होंगे ना सर? जी सर। अब देखिए सॉर्टिंग के इस्तेमाल करके हम कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमने क्या किया, डेटा को एक कॉलम ऐड किया शॉर्ट इसके सीरियल नंबर का, और हमने एक से लेके जितना रो था उतना सीरियल नंबर डाल दिया, और फिर उसी सीरियल नंबर को मैं उतना ही बार रिपीट कर दिया। तो इसमें क्या है कि अब वन जो है दो बार है, एक बार में इधर ब्लैंक रो है और एक बार में डेटा है। लेकिन जब सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग में शॉर्ट करूंगा तो दोनों वन इकट्ठा हो जाएगा, एक डेटा आएगा एक ब्लैंक आएगा, समझे सर? ये हमारा आ गया, आ गया सर जी। अब मुझे सीरियल नंबर की जरूरत नहीं है, मैं डिलीट कर दिया। अब मुझे इसमें जीएसटी लिखना है, तो लेकिन इसमें जीएसटी निकला है, तो मैंने क्या किया कि कंट्रोल माने कि इसको पहले डेटा को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है ना? सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहीं पे फाइंड एंड रिप्लेस में गया, और फाइंड एंड रिप्लेस में जाने के बाद हमने क्या किया, ब्लैंक पे क्लिक किया। ब्लैंक पे क्लिक करने से क्या हुआ कि जितने भी कॉलम में ब्लैंक थे वो यहाँ सिलेक्ट हो गए। हो गया सर? जी सर। अब मैंने क्या किया, इसमें लिख दिया GST, क्या कर दिया, ऐड कर दिया अपने GST, और फिर कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा, एंटर नहीं, कंट्रोल एंटर से क्या होगा कि जितने भी सिलेक्टेड है सब पे GST टाइप हो गया। ओके, हो गया GST टाइप सर जी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। अब मैं क्या करूंगा, अगेन मैं इस कॉलम को सेम प्रोसीजर फॉलो करूंगा, यहाँ पे गो टू स्टेशन ब्लैंक। अब यहां मैं इसको सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई बाय 18% कर दिया, और नॉर्मल एंटर नहीं मारूंगा, कंट्रोल एंटर मारूंगा, जीएसटी निकल गया। अब मिस इसमें क्या है मुझे कि हर दो रो के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना है टोटल के लिए, तो मैं अगेन सीरियल नंबर लिखूंगा और यहां पे वन को दो बार लिखूंगा, ठीक है ना? और इसमें प्लस कर दूंगा वन, और नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा, इससे क्या सॉरी मल्टीप्लाई हो गया प्लस, इससे क्या सॉरी हमें इसमें प्लस वन करना है सर, मैं प्लस वन हो गया प्लस वन, तो हर नंबर क्या हो गया दो बार रिपीट हो गया, हर नंबर कितना बार रिपीट हो गया दो बार। अब मैं इसको कॉपी करके वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ, और मैंने देखा कि 64 तक हमारा क्रिएट हुआ है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा 1-2 को 64 बार लिखूंगा, बट वन टाइम, रिपीटेड नहीं, ठीक है? और सेम शॉर्टिंग का मेथड अपनाऊंगा, और इस डेटा को क्या करूँगा मैं शॉर्ट, कस्टम शॉर्ट, और कस्टम शॉर्ट में मैं कहाँ जाऊँगा सीरियल नंबर स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि जीएसटी के बाद एक हमारा ब्लैंक रो इंसर्ट हो गया सर जी। अब सेम मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, पूरे कॉलम को, और इसके ऊपर कंट्रोल जी स्पेशल ब्लैंक, और फिर मैं क्या करूंगा इसमें लिखूंगा टोटल, राइट सर, एंड कंट्रोल एंटर, और अगेन इसी प्रोसीजर को फॉलो करूंगा मैं नीचे की तरफ, और यहां पे कंट्रोल जी स्पेशल ब्लैंक, और इसमें हम ऊपर वाले में प्लस वन करके कंट्रोल एंटर, रिजल्ट आपके सामने है सर जी, है ना? तो अब एक चीज इसलिए बताया कि सर हमें एक ऑप्शन को जानना बड़ी बात नहीं, हमें जानना होता है कि हम उसको यूटिलाइज कहाँ करें और कैसे करें। ये चीजें आपको कोई वर्किंग प्रोफेशनल ही बता सकता है, या कई सालों में सीखते 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 आपके पास आएगा, जैसे कि मेरे पास आया है नॉलेज।